खबर है। बलिया से जिले के रस्ता में निर्वाचन आयोग की ओर से निकाय अध्यक्ष पद के लिए आरक्षण की अंतिम सूची भी जारी कर दी गई है। नगर निकाय चुनाव की घोषणा के पश्चात प्रदेश में लागू आचार संहिता के पालन के क्रम में जिलाधिकारी व पुलिस अधीक्षक के निर्देशन में जनपद में चुनाव प्रचार संबंधित होर्डिंग व बैनर करवाकर आचार संहिता का पालन करवाया जा रहा है। इस मौके पर उप जिलाधिकारी सदानंद सरोज व क्षेत्राधिकारी मोहम्मद नायक व तहसीलदार रजत सिंह, कोतवाली प्रभारी हेमंत सिंह, क्राइम इंस्पेक्टर निहार नंदन कुमार सहित नगर पालिका के कर्मचारीगण उपस्थित रहे। बलिया से आरिफ अहमद अंसारी की रिपोर्ट। कार्रवाई की जा रही है, किसी भी राजनीतिक बैनर पोस्टर को होर्डिंग आज से लगाए गए हैं, इसको हटवाया जा रहा है। जल्द ही होगा चेक निगरानी काम किया जाएगा और इसको हम लोग जो है संभवतः 12 बजे के आसपास तक जितना आदर्श आचार संहिता का पालन होना है उसको करवा देंगे। सर प्रत्याशियों के क्या संदेश देना प्रत्याशियों के क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रत्याशियों का है कि आदर्श आचार संहिता का पालन करते हुए अपना प्रचार करेंगे। इसी हिसाब से अपना जो भी चुनाव खर्च होता है, जो माननीय निर्वाचन आयोग द्वारा निर्धारित होता है करेंगे, उससे ज़्यादा करेंगे तो दिक्कत होगी। सर अगर कोई प्रत्याशी अगर कानून का पालन नहीं करता है तो क्या कार्रवाई होगी? सर तो मारू कोड़ा फंड के तहत जो धाराओं में गर्मा पंजीकृत होता है उसके तहत गर्मा पंजीकृत होगा।